ये मैंडेटरी है कि हर हर कॉर्पोरेटर को वार्ड कमिटीज खड़ा करना चाहिए। तो अब कॉर्पोरेटर से ये पूछना है कि पिछले 5 साल से तेलंगाना गवर्नमेंट मॉड मिनिस्टर कॉर्पोरेटर वार्ड कमिटीज को क्यों खड़ा नहीं करे, वार्ड कमिटीज का क्यों दस्तूर हिंद के तहत में और संविधान के तहत में जो है उसमें 15 मेंबर्स तक बैठ सकते हैं। 15 मेंबर्स वही वार्ड के लोग वहां पर बैठेंगे और अपने मसले मसाइल वहां पर बताएंगे, तो कई मसले वहीं पर हल होता है और वहां पर बजट बनती है कि अपने को क्या करना है। अरे अपने घरों के सामने काम होता रहता है, रोडा डलते, जेसीबियां चलते, सब होते रहता वहां पर और हमको पता नहीं चलता कि वो कौन भेज रहा है और क्या काम हो रहा है। ये एकदम दस्तूर हिंद के और ये जो वार्ड कमिटी और जीएचएमसी इलेक्शंस की जो 74 अमेंडमेंट हुई उसके एकदम खिलाफ है। तो ये आगे से नहीं होगा इंशाल्लाह। December 4th से आपकी कॉर्पोरेटर डॉक्टर लुबना सरवत अगर इंशाल्लाह आपकी वोट से और रहमत से हो जाए, भगवान की रहमत से हो जाए, तो आपको इंशाल्लाह वार्ड कमेटी December 4th उसपे बराबर औरत मर्द बराबर 50-50% रहेंगे हर सेक्टर से, यानी स्टूडेंट, यूथ, सीनियर सिटीजन और पूरे शेड ऑटो की एक रिप्रेजेंटेटिव, तो फिर वैसे ही और पुशकार्ट जो बंडी चलाते हैं उनके एक रिप्रेजेंटेटिव, कारपेंटर्स जो बहुत सारे उनके रिप्रेजेंटेटिव, डेयरी फार्म्स के रिप्रेजेंटेटिव, यूथ की रिप्रेजेंटेटिव, बिजनेस वालों की रिप्रेजेंटेटिव, इस हिसाब से बहुत एक्टिव कमिटी रहेंगी। हर 2-3 मसले वहां पर रखे जाएंगे और कॉर्पोरेटर से सवाल होगा, कॉर्पोरेटर से सवाल होगा कि भाई आप कहां तक कौन सा काम करें, इस प्रकार रिपोर्ट बनना पड़ेगा। और मैं आपको ये भी दिलासा दे रही हूं कि 2.5 ईयर्स के बाद अगर आपको दिखा कि आपकी कॉर्पोरेटर ने कुछ नहीं किया, ये मसले मसाइल में कोई फर्क नहीं दिखा, पिछले 5, 10, 15, 20 साल से जो फर्क नहीं हुआ आपको और अब भी नहीं दिख रहा, तो आप 2.5 ईयर्स के बाद आप रिकॉल करिए मुझे, बोलिए कि कॉर्पोरेटर हमको नहीं चाहिए, बाय इलेक्शंस लगाइए और हम खुद इस्तीफा दे देंगे अगर हमको कोई हमारे से काम नहीं हुआ और वार्ड कमिटी से हमको वार्ड कमिटी लोगों को हमारा काम पसंद नहीं। लेकिन ये हालत बिल्कुल नहीं आएंगी। हमारे पास तयशुदा प्रोग्राम है कि 5 साल में क्या करना है। आसिफ नगर की वार्ड की हर फर्द, औरत, मर्द, बच्चा, बूढ़ा, बुजुर्ग, सभी लोगों को एक जिंदगी, पीसफुल जिंदगी, बहुत अच्छी जिंदगी, सबसे असल चीज है इज्जत की जिंदगी और डर के बगैर की जिंदगी। ऑफ नहीं रहेंगी, पूरी सिक्योरिटी रहेंगी और पूरी आसान से, पूरी हारमोनी से हर कम्युनिटी के लोग सब कुछ वहां पर मिले जुले रहेंगे। वो रहेंगी आसिफ नगर वार्ड और वो रहेंगी पूरी इंडिया की नमूने की वार्ड, दस्तूर हिंद की शान बताते हुए।